प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आलोचना की है के विषय में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है, कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के नेताओं ने देश तथा समाज को हमेशा एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाकर उनके उत्थान का काम किया, जबकि भाजपा और इसकी विचारधारा का एजेंडा है धर्म, जाति, क्षेत्र तथा यहां तक कि लिंग के आधार पर समाज को बांटने का रहा है। भाजपा नेताओं ने एक योजना के तहत देश की सांप्रदायिक एकता को छिन भिन करने का षड्यंत्र किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष राहुल एवं सोनिया गांधी की आलोचना कर प्रधानमंत्री की धूमिल होती छवि और भाजपा सरकारों की असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु समय बदल रहा है और देश की जनता अब मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को एवं उनके गुप्त एजेंडे को पहचानने लगी है। कौशल ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों के चलते जमाखोरी बढ़ने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई आसमान छू रही है। देश का युवा रोजगार छीनने तथा नए अवसर न मिलने की वजह से आंदोलित है, विकास दर रसातल की ओर जा रही है। देश में गरीब दो वक्त की रोटी का मोहताज हो रहा है और भाजपा करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर अपने फाइव स्टार कार्यालय बनाने में लगी है। प्रेम कौशल ने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल और सोनिया गांधी की आलोचना करने से देश से बेरोजगारी, भूखमरी और महामारी खत्म नहीं होगी और न ही इसे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है, क्योंकि उसके लिए दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें मोदी सरकार पूरी तरह असफल रही है और देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की आलोचना करते हुए उन्हें नफरत की राजनीति करने की संज्ञा दी है। मैं नड्डा जी के इस बयान के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं ने सदैव इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट करके उनके लिए योजनाएं बनाकर इस देश और देशवासियों के उत्थान का काम किया है। भाजपा की विचारधारा हमेशा से देश और समाज को जाति, धर्म, क्षेत्र और यहां तक के लिंग के आधार पर बांटने की रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यप्रणाली और विचारधारा की वजह से भाजपा ने देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसको छिन भिन करते हुए समय समय के ऊपर देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा करने का काम किया है। दरअसल अब समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ मुखौटों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो छुपे चेहरे हैं और इनका जो छुपा हुआ एजेंडा है उसको जनता जान भी रही है, पहचान भी रही है और समझ भी रही है और दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धूमिल होती जो छवि है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेशों की सरकारें हैं, उन सरकारों की और नेतृत्व की जो असफलता है उससे जनता का ध्यान बंटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेता समय समय पर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, राहुल और सोनिया गांधी की आलोचना करने से ना तो देश की बेरोजगारी खत्म होने वाली है,
ना देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है। देश की हालात को सुधारने के लिए दूरदर्शिता के साथ योजनाएं बनाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है, असफल रही है। आज देश के अंदर जो युवा हैं, फिर रोजगार छीनने से और नए अवसर ना मिलने की वजह से निराश है, आंदोलित है। नए कृषि कानूनों की वजह से जमाखोरी बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें हैं जो आसमान छू रही हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो रसातल की तरफ जा रही है। किसान सड़कों के ऊपर आकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान बटाने के लिए और अपना जो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा है उसको देश के ऊपर थोपने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।